अस्सलाम वालेकुम यूवर्स मैं हूं शेफ मारिया और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन बिरयानी की रेसिपी लेकर आई हूं हैदराबादी बिरयानी सिखाने जा रही हूं इसको आप लोग यखनी पुलाव या फिर यखनी बिरयानी भी कह सकते हैं जो कि बहुत ही बेहतरीन बन के तैयार होती है लाजवाब खुशबूदार बन के इसके चावल तैयार होते हैं क्योंकि इसको यखनी में पकाया जाता है और एक एक दाने में जायका होता है और इसको अगर आप दावतों में बनाएंगे ना तो आपके मेहमान खुश हो जाएंगे क्योंकि ये बनती ही इतनी मज़ेदार है बहुत ही बेस्ट रेसिपी है ये तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम बनाएंगे यखनी उसके लिए मैंने एक प्रेशर कुकर ले लिया है इसमें ऐड कर देंगे बीफ इस्तेमाल कर रही हूं इधर में 1 केजी के बराबर है ये एक किलो है और ये हड्डी वाला गोशेगा आप लोग चाहे तो मटन में भी बना सकते हैं इसमें ऐड कर दिया है मैंने एक डली प्याज़ की थोड़ी सी अदरक ऐड कर देंगे तकरीबन दो इंच का पीस था और एक पूरा जो पोती होती है लहसन की वो ऐड कर दी है मैंने इसके अलावा तेज़पत्ता ऐड करेंगे इसके अंदर नमक ऐड करेंगे वन टेबल स्पून ज़ीरा वन टेबल स्पून है हरी इलायची छः से सात अदद काली मिर्चें वन टी स्पून है काली इलायची दो अदद है हमारे पास दार चीनी के दो पीस है इसके अलावा सौंफ है हमारे पास वन टेबल स्पून ये तमाम चीज़ें इसके अंदर ऐड कर देंगे उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे पानी तकरीबन एक लीटर के बराबर आपने पानी ऐड करना है या फिर इतना पानी ऐड कर दीजिएगा जितने में कि ये गोश्त गल के तैयार हो जाए बहुत ज़्यादा भी नहीं ऐड करना है बस अब मैं प्रेशर कुकर बंद करूंगी और इसको मैं कुक कर लूँगी तकरीबन आधे घंटे के लिए जितने में हमारा गोश्त अच्छे से गल नहीं जाता अब इसके लिए एक स्पेशल मसाला तैयार कर लेते हैं तो उसके लिए मैंने धनिया लिया है वन टेबलस्पून के बराबर इसमें हम शाज़ीरा ऐड करेंगे वन एंड हाफ़ टी स्पून सौफ ऐड करेंगे वन टेबल स्पून दालचीनी का एक पीस ऐड करेंगे दो इंच का इसके अलावा लौंगे ऐड करेंगे चार से पाँच अदद हरी इलायची ऐड करेंगे चार से पाँच अदद इसके अलावा मेरे पास ये बादियान के फूल हैं दो अदद ले लीजिएगा ये टूटे हुए थे काली मिर्ची वन टीस्पून ऐड करेंगे चैफुल जब का पाउडर ऐड करेंगे हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे वन टेबल स्पून अब इस सबको अच्छे से पीस लेंगे तो देखिए इसको मैंने पीस लिया है बहुत बारीक नहीं किया था थोड़ा सा दरदरा सा रखिएगा मोटा मोटा सा इतने में हमारी यखनी भी तैयार हो गई है बस इस बात का ख्याल रखिएगा गोश्त आपका अच्छे से गला हुआ हो तो देखिए गोश्त भी हमारा गल गया अच्छे से अब हम क्या करेंगे इसमें से जो बूटियाँ हैं वो अलग कर लेंगे और जो साबुत गरम मसाला है जितना हो सकता है उतना अलग कर लीजिएगा जैसे कि मैं अदरक वगैरह हटा लूँगी जो गोश्त पे लग गई है इसके अलावा बाकी की जो यखनी है उसको मैं छान लूँगी अब मैंने एक बड़े साइज़ का पतीला ले लिया है इसमें ऐड करेंगे आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा लेंगे ऑयल वो ऐड कर देंगे इसके अंदर फिर इसके अंदर हम प्याज़ ऐड करेंगे एक डली ले ली थी बड़े साइज़ की उसको आपने स्लाइसेस में कट कर देना है वो ऐड करेंगे और इसको फ्राई करेंगे लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक आपने इसको फ्राई कर लेना है तो देखिए प्याज वो अच्छे से ब्राउन हो गई है अब इसमें से मैं थोड़ी सी प्याज निकाल लूंगी और बस थोड़ी सी ही रहने दी है प्याज इसके अंदर मैंने तकरीबन टू टेबलस्पून के बराबर अब इसके अंदर हम साबुत जीरा ऐड करेंगे वन टेबलस्पून एक अदद तेज़पत्ता ऐड करेंगे हरी इलायची ऐड करेंगे चार अदद काली इलायची ऐड की है दो अदद दालचीनी का एक पीस ऐड करेंगे लौंग ऐड करेंगे चार से पाँच अदद इसको मिक्स कर लेंगे हल्का सा फ़्राई करेंगे उसके बाद ऐड करेंगे इसमें लहसन अदरक का पेस्ट तकरीबन थ्री टेबलस्पून के बराबर और इसको भी आपने अच्छे से फ़्राई कर लेना है इसके बाद इसके अंदर ऐड करेंगे हम हरी मिर्चें थ्री टेबल स्पून के बराबर बारीक चॉप करके आपने ऐड करनी है और इस मसाले को आपने बहुत अच्छे से भूनना है इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे गोश्त जो हमने निकाला था वो सारा ऐड करेंगे और इसको भी भून लेंगे बस इसमें थोड़ी सी स्टार्टिंग में भुनाई होती है लेकिन ये बहुत ही जायकेदार बन के, के तैयार होती है थोड़ा सा भून लिया है अब उसके बाद जो एक लहसन की पोती हमने इसमें ऐड की थी ना उसको पूरा स्क्वीज़ कर लेना है आपने निचोड़ लेना है अच्छे से क्योंकि उसको आपने ज़ाया नहीं करना है सारा लहसन जो था उसका पेस्ट आ गया है, हमारे पास इसको भी भून लेंगे ताकि इसका ज़ायका इसके अंदर आ जाए और अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे दही आधा कप के बराबर दही ऐड करने के बाद टमाटर ऐड करेंगे तीन अदर टमाटर थे मीडियम साइज़ के उसको मैंने स्लाइसिस में कट कर लिया था वो ऐड कर दिए आलू बुखारा ऐड करेंगे तकरीबन सात से आठ अदर और जो हमने मसाला बनाया था इसका स्पेशल वो ऐड कर देंगे इसके बाद इसकी भुनाई करेंगे ये देखिए इस तरीके से आपने अच्छे से भून लेना है इसको और जब आप ये भून रहे होंगे इतनी अच्छी खुशबू आ रही होती है इसके अंदर और ये बहुत ही बेहतरीन बनकर तैयार होती है अब इसके अंदर हम यखनी ऐड कर देंगे तो मैं सारी यखनी ऐड कर दूंगी इसके अंदर यखनी ऐड करने के बाद इसको पकने देंगे थोड़ा सा फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे चावल जब इसमें एक बॉइल आ जाएगा तो इधर एक किलो राइस हैं ये बासमती राइस हैं इसको मैंने आधा घंटा पहले भिगो दिया था वो ऐड कर दिए हैं इसके अंदर अब आप लोग देख लीजिएगा यखनी अगर आपको कम लगती है चावलों के हिसाब से तो आप और पानी थोड़ा सा इसमें ऐड कर सकते हैं यहाँ पर मैं नमक ऐड करूँगी चावल के हिसाब का तकरीबन वन टेबल स्पून के बराबर और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छा मेरे हिसाब से बिल्कुल सही थी यखनी तो मैंने एक्स्ट्रा पानी नहीं ऐड किया था अब जब ये चावल यखनी के साथ पकेंगे तो ये बहुत ही जायकेदार बन के तैयार होंगे इसको मैंने कवर करके छोड़ दिया है मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए 12 से 15 मिनट बाद आपने चेक करना है इसको तो चावल जो है अच्छे से फूल चुके हैं इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे उसके बाद आपने चावल को चेक कर लेना है अच्छा चावल मुझे चाहिए थे 70 परसेंट तक कुक होने चाहिए तो ये 70 परसेंट तक कुक हो गए हैं अब इसमें जितना लिक्विड है ना हम अब हम क्या करेंगे इस पर लगाएंगे दम तो हम कपड़े का दम देंगे ना मतलब जो ढकना है उसके ऊपर हम कपड़ा लपेट देंगे और फिर दम लगाएँगे इस तरह से तकरीबन दस मिनट के लिए लो मीडियम फ्लेम पर और दस मिनट बाद इसको हम चेक करेंगे अभी भी इसमें ज़रा सी कसर है लेकिन इस, इस स्टेज पे हम क्या करेंगे इस पे डालेंगे हम प्याज़ जो हमने फ्राई करी थी स्टार्टिंग में थोड़ा सा पुदीना ऐड करेंगे और इसके अंदर ऐड करेंगे हम जरदा फूड कलर इसको मैंने थोड़े से पानी में डिज़ोल्व कर लिया था और इसके बाद इसको पाँच मिनट के लिए दोबारा से दम लगाएंगे फिर पाँच मिनट बाद हम चेक करेंगे तो माशाल्लाह से हमारी जो ये बिरयानी है रेडी हो गई है आधा ढकना खोल के मैंने इसको छोड़ दिया था दस मिनट के लिए और दस मिनट बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं बहुत ही बेहतरीन बन के तैयार होती है खुशबूदार जायकेदार बनती है वन के जी परफेक्ट रेसिपी है बिरयानी की ये आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा आपको देखने से ही अंदाज़ा हो गया होगा कितनी ज़बरदस्त लग रही है ना ये खाने में बेहद मज़ेदार थी और एक बार आप लोग बनाएंगे ना आपको यकीन नहीं होगा इतने जायकेदार बिरयानी आपने खुद बनाई है एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा देखिए चावल कितने ज़बरदस्त बन के तैयार हुए हैं खिले खिले एक एक दाना अलग अलग है और ये बहुत ही बेहतरीन बनी थी मतलब फेवरेट बिरयानी हो गई है हमारे फैमिली मेम्बर्स की आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अमेजिंग से केक की रेसिपी लेकर आई हूँ आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूँ चॉकलेट ड्रीम केक जो कि बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है मार्केट में ये बहुत एक्सपेंसिव मिल रहा है लेकिन मैं आपको बजट में रहते हुए सिखाऊंगी बहुत ही आसान तरीके से और जब आप ये केक बनाएंगे ना तो आप लोग खुद ही अमेज़ हो जाएंगे कि इतना मज़ेदार केक और इतनी आसानी से बनके तैयार हो जाता है और वो भी बजट में रहते हुए बहुत ही मज़ेदार सा केक है मुंह में जाके बिल्कुल घुल जाता है तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं तो इसके लिए हमें चाहिए होंगे दो अदद अंडे अंडे जो हैं आपके रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए बस इस बात का ख्याल रखिएगा और इसके अंदर हम ऐड करेंगे पिसी हुई चीनी तकरीबन 100 ग्राम्स के बराबर ये आधा कप से थोड़ी सी ज़्यादा होती है पिसी हुई चीनी लिए लेकिन इसके अंदर हम थोड़ी थोड़ी करके चीनी ऐड करेंगे आपने एक साथ चीनी नहीं ऐड करनी है तो मैंने तीन हिस्सों में ऐड करी थी थोड़ी सी चीनी ऐड करी है अब इसको हम बीट कर लेंगे चंद सेकेंड के लिए ताकि जो चीनी हमने ऐड करी है बस इतना ही इसको बीट करना है कि वो अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए तो देखिए चीनी अच्छे से मिक्स हो गई है अब इसको दोबारा से हम इस ऐड करेंगे और इस तरह से आप केक बनाएंगे पूरे स्टेप्स को आपने स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है ताकि आपका केक भी इतना ही मज़ेदार बनके तैयार हो और ये बहुत ही अच्छा केक बनके तैयार होता है अब चीनी ऐड करके मैंने दोबारा से इसको थोड़ी देर के लिए बीटर ऑन किया था बीट किया था ताकि चीनी जो है अंडों के अंदर अच्छी तरीके से डिजॉल्व हो जाए तो यही स्टेप आपने तीन बार करना है तीन हिस्सों में आपने चीनी को ऐड करना है दोबारा से बीट कर लेंगे लेकिन इस बार आपने और अच्छी तरीके से बीट करना है जब चीनी अच्छी तरीके से डिजाल्व हो जाएगी फिर इसके अंदर हम ऑयल ऐड करेंगे और आपने थोड़ा थोड़ा सा करके ऑयल ऐड करना है कुकिंग ऑयल लिया था मैंने आधा कप के बराबर यानी कि हंड्रेड एम के बराबर है ये अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे चॉकलेट एसेंस ऑयल अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है चॉकलेट ऐसे मैंने लिया था तकरीबन तो वन टी के बराबर इसको भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे अब बीटर का काम ख़त्म हो गया है तो बीटर को हम हटा देंगे और इसके अंदर ऐड करेंगे हम 80 ग्राम्स के बराबर मैदा मैदा ऐड करेंगे 80 ग्राम्स 20 ग्राम्स ऐड करेंगे इसमें कोको पाउडर कोको पाउडर आप लोग कोई भी अच्छे ब्रांड का ले सकते हैं बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे वन टी के बराबर अब इन तीनों चीज़ों को आपने अच्छे तरीके से फोल्ड कर लेना है स्पैचुला की मदद से हल्के हाथ से आपने इसको मिक्स कर लेना है इसके अंदर कोई लम्स नहीं रहने चाहिए इस बात का ख्याल रखिएगा तो देखें बस इसको अच्छी तरीके से आपने मिक्स कर लेना है तो ये बैटर हमारा रेडी हो गया है अब मैंने मोल्ड लिया था राउंड मोल्ड लिया है तकरीबन सेवन इंच का मोल्ड है ये और इसके अंदर मैंने सिर्फ बटर पेपर लगाया है ओवन ऑन कर दिया था मैंने वन एटी डिग्री पर दस मिनट पहले ही ऑन किया था इसको हम बेक करेंगे वन सेवेंटी डिग्री के ऊपर बेक करेंगे तकरीबन थर्टी मिनट्स के लिए तो देखिए केक हमारा बेक होकर आ गया है अब इसको मैं ठंडा करने के लिए छोड़ दूँगी अब इतने में हम बना लेते हैं चॉकलेट फ्रॉस्टिंग चॉकलेट फज बना रहे हैं बेसिकली इसके लिए तो इसके लिए हमें टेट्रा पैक क्रीम चाहिए होगी तकरीबन टू हंड्रेड ग्राम्स के बराबर अब इसको मैं क्या करूँगी इसको गर्म कर लेंगे इतना पकाएंगे कि इसमें से हल्की सी हीट निकलने लग जाए तो देखें धुआं निकल रहा ना बस इतना ही आपने चंद सेकंड के लिए इसको पकाना है अब इसके अंदर ऐड करेंगे कुकिंग चॉकलेट तो यहाँ पर मैं डार्क कुकिंग चॉकलेट का इस्तेमाल कर रही हूँ थ्री हंड्रेड ग्राम्स के बराबर यानी कि जितनी आपने क्रीम लेनी है उससे हंड्रेड ग्राम ज़्यादा आपने कुकिंग चॉकलेट लेनी है अब क्रीम जो है हमारी बहुत गर्म है तो इसी के अंदर चॉकलेट हमारी मेल्ट हो जाएगी तो आपने इसको मिक्स करते रहना है और अगर आपको लगता है थोड़े से लम्स रह गए हैं चॉकलेट के तो आप इसको चूल्हे पर रख के दोबारा से गर्म कर सकते हैं तो ये अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाएगी तो देखें चॉकलेट फज हमारा रेडी हो गया है अब हम क्या करेंगे इसको एक बाउल में निकालेंगे और बाउल में निकालने के बाद आपको इसको रख देना है कवर करके ओवरनाइट के लिए छोड़ देंगे तो ये दोनों चीज़ें मैंने रात में बनाई थी और ये है नेक्स्ट डे नेक्स्ट डे हम इसको देखेंगे तो हमारी फ्रॉस्टिंग बिल्कुल सेट हुई हुई होगी तो ये फर्ज जो है हमारा देखें इस तरह से हो जाएगा आपने इसको फ्रिज में नहीं रखना है नहीं तो फ्रॉस्टिंग बनाने में मुश्किल होगी आपने इसको रूम टेम्परेचर पर ही ठंडा करना है अब इसके लिए हमें चाहिए होगा दूध दो कप के बराबर और इसके अंदर हम ऐड करेंगे टू टेबल के बराबर कोको पाउडर अच्छा दूध मैंने था गरम खोल तवा ताकि कोको पाउडर इसके अंदर बहुत अच्छी तरीके से डिजोल्व हो जाए तो देखिए कोको पाउडर को हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया है ये हम बना रहे हैं चॉकलेट मिल्क केक को सोक करने के लिए अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे थ्री टू तो फोर टेबल स्पून के बराबर चॉकलेट फज जो हमने तैयार करके रखा था तो ये ये भी आपने गर्म दूध में ही ऐड करना है ताकि अच्छी तरीके से डिजोल्व हो जाए और बेसिकली ये जो हम मिल्क बना रहे हैं इसका फ्लेवर बहुत अच्छा रिच चॉकलेट होना चाहिए तभी हमारा केक बहुत मजेदार से बनकर तैयार होगा तो इसको भी हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से और इसको हम रखेंगे अब साइड पे। इधर हम केक देख लेते हैं तो केक को भी मैंने कवर कर दिया था और ये अच्छी तरीके से ठंडा हो गया काउंटर टॉप पर ही छोड़ दिया था इसको हम निकाल लेंगे मूल में से बटर पेपर हटा देंगे तो देखिए केक हमारा कितना परफेक्ट सॉफ्ट सा बन के तैयार हुआ है अब इसके लिए हमें चाहिए होगा इस तरह का टिन ये इजीली मार्केट से मिल जाता है जहाँ पे आपको बेकिंग का सामान मिल रहा होगा वहाँ से ये टिन से आपको इजीली मिल जाएंगे क्योंकि अभी ये बहुत ज़्यादा वायरल हुए हैं आपको पता ही है तो इसके अंदर हम केक को रख देंगे और जो हमने मिल्क बना के तैयार किया था वो सारा मिल्क हम इसी के ऊपर डाल देंगे इसी तरीके से आपने गर्म गर्म दूध पोर कर देना है इसको सारा ही ऐड कर देंगे और ऐड करने के बाद आपने इसको आधे घंटे के लिए छोड़ना है सेट करने के लिए तो इसको आप रख देंगे फ्रिज में ताकि अच्छी तरीके से सेट हो जाए अच्छा चॉकलेट फर्ज जो था उसको मैंने 10 मिनट के लिए रखा था फ्रीज़र में ताकि और मज़ीद अच्छी तरीके से सेट हो जाए अब इसको हम बीट करना है, स्टार्ट करेंगे तो आपने इसको बीट करना है लो स्पीड पर ही आपने इसको बीट करना है ज़्यादा हाई स्पीड पर बीट नहीं कीजिएगा ताकि आहिस्ता आहिस्ता से थिक होना स्टार्ट हो और हमारी मज़ेदार सी फ्रॉस्टिंग बनके तैयार हो जाए तो बस इसको आपने बीट करना है ये लाइट होती चली जाएगी कलर में और इस स्टेज में मुझे लग रहा था ये फ्रॉस्टिंग थोड़ी सी पतली हो गई है तो मैं क्या करूँगी इसको 10 मिनट के लिए रख दूँगी फ्रीज़र के अंदर ताकि थोड़ी सी अच्छे से सेट से हो जाए तो देखिए इतनी रेडी हो गई है थोड़ी सी पतली लग रही थी तो उसको हम रख देंगे फ्रीज़र में ताकि थोड़ी सी सेट हो जाए उसके बाद फिर हमने दोबारा से इसको बीट करना है तो देखिए तकरीबन पंद्रह मिनट के लिए मैंने रखी थी और उसके बाद बाहर निकाल के मैंने इसको तकरीबन आधे मिनट के लिए बीट किया था अच्छी तरीके से बीट किया था तो ये कुछ इस तरह से हो गई थी तो ये हमारी मज़ेदार सी चॉकलेट फर्च फ्रॉस्टिंग रेडी है और ये बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होती है अब मैंने एक पाइपिंग बैग ले लिया है इसमें हम फ्रॉस्टिंग ऐड कर देंगे लेकिन फ्रॉस्टिंग ऐड करने से पहले मैंने इसमें स्टार नोज़ल लगा दी थी तो थोड़ी सी फ्रॉस्टिंग बचाएंगे बाकी हम इसी के अंदर ऐड कर देंगे और ये है एम वन नोजल कि ईज़ीली मार्केट से मिल जाती है अब क्या करेंगे इसको हम पाइप करना स्टार्ट करेंगे तो आपने सेंटर से पाइप करना है कुछ इस तरह से इस तरह का केक आपने कहाँ पर देखा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और आप लोग कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएगा और ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये रेसिपी और लोगों तक भी पहुँच सके तो देखिए इस तरह से बस आपने स्प्रिल से बना देना है बिल्कुल साथ साथ लेके चलेंगे बहुत आसानी से ये पाइप हो जाएगा और ये बहुत ही ईजी के, के आप लोग इसको बना सकते हैं और ज़रूरी नहीं है ये टन हो आपके पास तभी आप ये बनाएँ आप लोग इसको डिश में भी प्रिपेयर कर सकते हैं तो देखिए बस इससे आपने इसको इस तरह से कवर कर देना है ये देखिए अच्छे से तरीके से ये कवर हो गया है इसको मैं रख दूंगी फ्रिज में थोड़ी देर सेट करने के लिए इतने में हम इसका बना लेते हैं मज़ेदार सा सॉस जो कि इसके साथ सर्व किया जाता है तो थोड़ा सा हमने फ़ज बचा लिया था ये देखिए इतना सा अब क्या करेंगे इसके अंदर आपने थोड़ा सा दूध ऐड करना है और इसको मिक्स कर लेना है इस तरह से तो ये आपका चॉकलेट सॉस बन के तैयार हो जाएगा जो कि इसके साथ सर्व किया जाता है तो जब भी आप केक को सर्व करेंगे तो थोड़ा सा ये सॉस ड्रिज़ल करेंगे और ये सर्व करेंगे तो इधर मुझे थोड़ा सा थिक लग रहा था थोड़ा सा दूध और ऐड किया अंदाजे से ऐड कर दीजिएगा और अगर आपको लगता है ये थोड़ा सा सेट हो रहा है फ़ज तो आप लोग इसको थोड़ा सा चूल्हे पे पका भी सकते हैं तब भी ये बिल्कुल सेट रहेगा तो ये देखिए हमारा बहुत ही मज़ेदार सा चॉकलेटी ड्रीम केक रेडी है जो कि मुंह में जाके बिल्कुल घुल जाएगा बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार हुआ था ये केक और ये है इसका फाइनल लुक अब आपने क्या करना है इसको फ्रिज में से निकालना है चॉकलेट सॉस जो हमने बनाया था वो आपने इसके ऊपर रिजल करना है कुछ इस तरह से अभी आपकी अपनी मर्जी है आपको और ज़्यादा चॉकलेटी खाना है तो आप बहुत सारा सॉस भी ऐड कर सकते हैं लेकिन ये वैसी जो केक बन के तैयार हुआ था बहुत चॉकलेटी ही बन के तैयार हुआ था इसका मैं आपको अंदर का लुक दिखाती हूँ ये देखिए और ये बहुत ही अच्छा बनाता है ट्रस्ट मी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप लोग बार बार ट्राई करेंगे एक तो बहुत इजी भी है और इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं है और ये बहुत मज़ेदार भी बनके तैयार होता है आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी क्रिस्पी फ्राइड चिकन की रेसिपी लेकर आई हूँ एक नए अंदाज़ में और बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों को ये मैं क्रिस्पी फ्राइड चिकन बनाना सिखाऊँगी हर कोई बहुत परफेक्ट तरीके से इसको बना पाएगा और सारी टिप्स और ट्रिक्स शेयर करूँगी किस तरह से बहुत ही बेहतरीन क्रिस्पी फ्राइड चिकन आप घर में बना के तैयार कर सकते हैं और एक बार अगर आप लोग मेरे तरीके से इस तरह से क्रिस्पी फ्राइड चिकन बना लेंगे ना तो आप लोग मैकडोनल्ड के एफ सी कबाब जी सब को भूल जाएंगे क्योंकि वो बनती ही इतनी मज़ेदार है और बहुत ही आसान है इसको बनाना और इसको बना के आप लोग अपने बच्चों को अपने घर वालों को खुश कर सकते हैं बहुत सारी तारीफें भी ले सकते हैं तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं तो इसका सबसे पहला स्टेप ये है कि इसको हमें सिरके वाले पानी में डिप करना है ताकि इसके अंदर से जो भी कुछ एक्स्ट्रा ब्लड हो वो निकल जाए और इसकी वजह से ही थोड़ी सॉफ्ट और टेंडर भी बन के तैयार होती है तो ये मैंने एक किलो के बराबर चिकन लिया है यहाँ पर मैं ड्रम स्टिक्स का इस्तेमाल कर रही हूँ आप लोग चाहे तो नॉर्मल चिकन के पीसेस भी ले सकते हैं तो इसके अंदर मैंने वन टेबल स्पून सिरका ऐड किया है इसको डिप कर देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए और आधे घंटे बाद क्या करेंगे इस पानी में से निकालेंगे चिकन को और इसको पैड ड्राई कर लेंगे आपने अच्छे से इसका पानी खुश कर लेना है उसकी बात करेंगे इसका मैरिनेशन तो सबसे पहले हम इसके अंदर कट्स लगा लेते हैं ताकि जो हमारा मैरिनेशन है वो अंदर तक जाए तो मैंने डीप कट्स लगाए हैं और तीन कट्स लगाए हैं सिर्फ तो सब चिकन के पीसेस पर मैं इसी तरीके से कट्स लगा लूँगी अब इसको हम मैरिनेट करेंगे तो सबसे पहले हम ऐड करेंगे इसमें बेकिंग सोडा तो आपने बेकिंग सोडा ऐड करना है इसमें वन फोर टीस्पून के बराबर इससे क्या होगा बहुत टेंडर बन के तैयार होगी हमारी ये जो चिकन है फिर मैंने इसमें नमक ऐड किया है वन टीस्पून के बराबर लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे वन टी कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करेंगे वन टीस्पून आपके पास पेपरिका हो तो वो भी ऐड कर सकते हैं लहसन का पाउडर ऐड करेंगे वन टीस्पून स्पून लहसन का पाउडर आपके पास नहीं है तो आप इसमें लहसन का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं उसके बाद मैं चिकन पाउडर ऐड कर दूंगी वन टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे हाफ टी स्पून एक अदद अंडा ऐड करेंगे अब इसके बाद इसको आपने अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है अच्छा सा मसाज कर लीजिएगा चिकन के ऊपर ताकि मसाला जो है वो अंदर तक चला जाए वैसे भी हमने डीप कट्स लगा लिए हैं तो मसाला अच्छे तक अच्छे से अंदर तक चला जाएगा इसको आपने मैरिनेट करके रखना है दो से तीन घंटे के लिए चाहे तो ओवरनाइट भी रख सकते हैं अब इसका हम एक बैटर तैयार कर लेते हैं उसके लिए मैंने एक कप मैदा लिया है इसके अंदर ऐड करेंगे हम अदरक का पाउडर वन टी के बराबर लहसन का पाउडर वन टी नमक वन टी ऐड करेंगे लाल मिर्च का पाउडर वन टी चिकन पाउडर वन टी काली मिर्च ऐड करेंगे वन टी स्पून इस सबको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद इसके अंदर ऐड करेंगे एक अदद अंडा तो टोटल हमने दो अंडों का इस्तेमाल किया है इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से आपने एक स्मूथ सा बैटर बना लेना है बस थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे बहुत थिन नहीं होना चाहिए थोड़ा सा थेक रखेंगे तो ये देखिए कुछ इतना थेक होना चाहिए ये अब इसकी कोटिंग के लिए हमें मैदा चाहिए होगा लेकिन मैदे के अंदर हम कुछ नहीं इस्तेमाल करेंगे मतलब कुछ भी नहीं ऐड करेंगे तो इसके लिए आपको तीन से चार कप मैदा चाहिए होगा तकरीबन आधा किलो के, के बराबर अब चिकन जो था हमारा मैरिनेट हो गया अच्छे से अब हम क्या करेंगे एक पीस ले लेंगे इसका इसको डिप करेंगे हम बैटर के अंदर ताकि बैटर अच्छे से इसके ऊपर लग जाए इसके बाद मैदे में डाल देंगे इसको और इसकी ब्रेडिंग करेंगे मैदे में रखेंगे और इसको आपने अच्छे तरीके से कोट करना है इस तरह से और हल्के हाथ से आपने इसको प्रेस करते हुए मिक्स करना है ताकि इसके जो क्रम्स हैं बहुत अच्छे बन के तैयार हों इसकी हम एक ही कोटिंग करेंगे उसी के अंदर बहुत अच्छे क्रम्स बन के तैयार हो जाएंगे बार बार आपको कोटिंग करने की ज़रूरत नहीं है ना ही पानी में डिप करना है इसको तो बस इसी तरीके से मैं सबको कोट कर लूँगी यानी कि इसकी ब्रेडिंग कर लूँगी और एक्स्ट्रा मैदा आपने इस पर से झाड़ देना है कुछ इस तरह से तो देखिए कितने अच्छे क्रम्स बन के तैयार हुए हैं अब हम क्या करेंगे इसको फ्राई करेंगे गरम तेल के अंदर तो आपने इसको गरम तेल में ऐड कर देना है पहले से तेल गरम करने के लिए रख दीजिएगा और इसकी फ्राइंग की टाइमिंग है तकरीबन आठ से बारह मिनट तक अच्छा जब आप इसको तेल में ऐड करेंगे उसके कुछ सेकेंड बाद जब आप देखेंगे कलर आना स्टार्ट हो जाए तब आपने इसको थोड़ा सा टर्न करना है पहले से मिक्स नहीं कीजिएगा और ज़्यादा मिक्स नहीं करते हैं फ्राइड चिकन को तो इस तरीके से आपने इसको फ्राई करना है मीडियम फ्लेम पे फ्राई कीजिएगा हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं कीजिएगा तो देखिए कितना ज़बरदस्त सा कलर आ गया है अब इसको हम निकाल लेंगे इसी तरीके से सारी चिकन को मैं फ्राई कर लूँगी अब यहाँ पर बात आती है जो इतना सारा मैदा हमारे पास बच जाता है तो इसका क्या किया जाए अक्सर ये सवाल भी आता है मेरे पास कि इतना सारा बैटर बच गया है इसकी मैरिनेशन बच गई है तो इसका क्या करें तो इसका मैं आज आपको हल बता देती हूँ तो आपने क्या करना है सबसे पहले इसको इस तरह से आपने बिल्कुल और बारीक क्रम्स में तब्दील कर देना है इस मैदे को क्योंकि काफ़ी सारी क्वान्टिटी में बच के ये तैयार बच जाता है बहुत सारा तो आपने इस तरह से बारीक कर लेना यहाँ पर मैं आपको पॉपकॉर्न चिकन बनाना सिखा रही हूँ आप लोग चाहें तो पोटैटो वेजेस बना सकते हैं आलू के आप स्लाइसेस कट करें उसको कोट करके बना लें वो भी बहुत अच्छे बन जाते हैं तो यहाँ पर सिंपल मैंने क्या किया था वो जो मैरिनेशन बचा हुआ था ना उसी के अंदर थोड़ी सी मिर्च और मसाले ऐड करके और चिकन को मैरिनेट कर दिया है चिकन के पीसेस ले लिए थे तकरीबन एक पाव के बराबर हैं और जो ये हमारे पास बैटर बचा हुआ था उसमें मैंने ऐड कर दिया है अब क्या करेंगे जो मैदा था ड्राई हमारे पास उसके अंदर इसको ऐड कर देंगे अलग से मैदा डालने की ज़रूरत नहीं है और इसके अंदर हम इसकी ब्राइडिंग कर लेंगे उसके बाद भी आपके पास ये बच जाता है तो आप इसको वेस्ट नहीं किया करें कोई भी चीज़ वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है तो आपने करना क्या है इसको सिंपल एक शॉपर में डालें या फिर एयर टाइट बॉक्स में डालें इसको फ्रिज में रख दें लेकिन इसको एक हफ़्ते के अंदर आप इस्तेमाल कर लें तो दोबारा से भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं इसको डिस्कार्ड नहीं किया करें इस तरह से क्या होता है रिस्क का ज़िया भी नहीं होता और चीज़ें आपकी बच जाती हैं तो उसको दूसरी चीज़ों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं तो इससे आप किसी भी चीज़ की कोटिंग कर सकते हैं तो देखिए इस तरह से हमारी पॉपकॉर्न चिकन भी बन के तैयार हो जाएगी और जो कि बाज़ार से भी ज़्यादा बहुत अच्छी बन के तैयार होती है घर में आप थोड़ी सी चिकन से मतलब एक पाव चिकन से इतनी सारी आप पॉपकोन्स बना सकते हैं इसको भी हम फ्राई कर लेंगे और इसको भी बस आपने ऑयल में डालना है तो कुछ देर के लिए छोड़ दीजिएगा जब हल्का सा कलर आने लगे तब आपने इसको मिक्स करना है और मिक्स करते करते आपने इसको फ्राई कर लेना है ताकि इवन कलर आ जाए जब इवन कलर आ जाएगा तो इसको आपने निकाल लेना है और यकीन मानिए एक बार आप इस तरह से फ्राइड चिकन बनाएंगे ना स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हुए तो आप लोग बाहर से ख़रीदना भूल जाएंगे इतनी बेहतरीन बन के तैयार होती है इधर मैं आपको तोड़ के दिखा देती हूँ अंदर से इसका लुक ये पॉपकॉर्न चिकन है जो कि खाने में बेहद मज़ेदार लगती है और बच्चे तो बहुत इंजॉय करते हैं इसको इसके अलावा फ्राइड चिकन दिखा देती हूँ करीब से इसका लुक देखिए हमने एक ही कोटिंग करी थी लेकिन उसके बावजूद कितने अच्छे क्रम्स बन के तैयार हुए हैं और बहुत ही खस्ता बनते हैं मुँह में जा छुपते नहीं है बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार होते हैं और चिकन भी हमारा कितने अच्छे से गल गया है आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से ब्राउनी केक की रेसिपी लेकर आई हूँ नॉर्मली आप लोग ब्राउनीज़ वग़ैरह बना के तो खाते होंगे लेकिन आज आप लोगों ने ब्राउनी केक ज़रूर ट्राई करना है बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है लेकिन बनता बेहद मज़ेदार है इसको एक बार आप लोग बना लेंगे तो फिर बाहर से आप लोग ब्राउनीज़ वग़ैरह ख़रीदना भूल जाएंगे क्योंकि ये बनता ही बहुत मज़ेदार है और बहुत सिंपल सी रेसिपी है तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए एक मैंने बाउल ले लिया है इसके अंदर ऐड करेंगे हम एक अदा छन्ना रख दिया है और इसमें हम ऐड करेंगे मैदा मैदा मैंने लिया था सेवेंटी फाइव ग्राम्स के बराबर कप में आप मेजर करेंगे तो ये हाफ़ कप प्लस वन टेबल स्पून है मतलब आपने आधा कप लेना है मैदा उसमें वन टेबल स्पून और ऐड कर दीजिएगा उसके बाद हम ले लेंगे आधा कप के बराबर कोको पाउडर कोको पाउडर किसी भी अच्छे ब्रांड का ले लीजिएगा बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे इसमें वन टी स्पून बेकिंग सोडा ऐड करेंगे वन फोर टी स्पून अब इस सबको अच्छे से छान लेंगे और ये देखिए छानते इसलिए ताकि कोई लम्पस वगैरह हो वो भी उसके अंदर से निकल जाए और जो केक है हमारा बहुत अच्छा लाइट बन के तैयार हो अब इस मिक्सचर को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे मिक्स करने के बाद इसको हम रख देंगे साइड पे उसके बाद आ जाते हैं इसके सेकंड स्टेप की तरफ तो इसके लिए एक मैंने पैन ले लिया है इसमें ऐड करेंगे डार्क कुकिंग चॉकलेट और इसके अंदर हम ऐड करेंगे ऑयल तो यहाँ पर जो कुकिंग चॉकलेट मैंने ली है 50 ग्राम्स के बराबर ऑयल लिया है मैंने वन थर्ड कप के बराबर इन दोनों को हमने मेल्ट कर लिया है अच्छे से अब एक बाउल ले लेंगे इसमें ऐड करेंगे तीन अदद अंडे अंडे जो हैं रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए फिर इसमें ऐड करेंगे हम पिसी हुई चीनी आधा कप से थोड़ी सी ज़्यादा है ये आपने टू टेबल प्लस कर लेना है और इनको इसको अच्छे से मिक्स करेंगे उसके बाद इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से आपने अच्छी तरीके से इसको बीट कर लेना है ये वॉल्यूम भी डबल हो जाएगा देखिए इस तरह से बस मैंने दो से तीन मिनट ही इसको बीट किया था बहुत ज़्यादा भी नहीं इसको विफ्ट करना है आपने अब इसके अंदर मैंने ऐड किया है वेनेला एसेंस आप लोग चाहें तो चॉकलेट एसेंस भी ऐड कर सकते हैं इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे चॉकलेट और ऑयल का मिक्सचर ऐड कर देंगे जो हमने मेल्ट करके रखा था ये जब आप ऐड करें तो ख्याल रखिएगा ये बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए हल्का सा बस नीम गर्म हो तो देखिए इसको आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है एक बार इस पैचुला की मदद से भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे फिर इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे सारे ड्राई इन्ग्रीडियट्स और इसको आपने मिक्स कर लेना है अच्छे से फोल्ड कर लेंगे इसको इसके अंदर कोई लम्स नहीं रहने चाहिए इस बात का ख्याल रखिएगा तो ये देखिए अच्छे से ये मिक्स हो गया है अब हम बेकिंग डिश ले लेंगे उसके अंदर इसको हम बेक करेंगे तो इसके लिए मैंने लाइन इन कर दिया था डिश को आप लोग किसी मोल्ड में अगर इसको बेक करना चाहते हैं तो आप लोग सेवन इंच के मोल्ड में इसको बेक कर सकते हैं अब इसको मैं बेक करने के लिए रख दूंगी 180 डिग्री पे तकरीबन 30 मिनट्स के लिए तो ये 30 मिनट्स में बहुत अच्छे से बेक होकर आ गया है और ये बहुत सॉफ्ट बन के तैयार होता है अब इसको मैं कवर करके छोड़ दूंगी ठंडा करने के लिए तकरीबन आधे घंटे के लिए इतने में हम इसकी फ़्रॉस्टिंग बना लेते हैं तो उसके लिए मैंने कुकिंग चॉकलेट ली है हंड्रेड ग्राम्स के बराबर और इसको मैंने छोटा छोटा चॉप कर लिया था अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे क्रीम 100 ग्राम्स के बराबर यानी कि आधा कप के बराबर हम क्रीम ऐड करेंगे टेट्रा पैक की क्रीम यूज़ कर रही हूँ मैं आप लोग चाहें तो विपिंग क्रीम भी ऐड कर सकते हैं अब इसको हम मेल्ट कर लेंगे अच्छे से आपने बिल्कुल हल्की आंच पे इसको मेल्ट कर लेना है देखिए रेडी हो गया है अब जब केक हमारा ठंडा हो जाएगा तो इसको हम मोल्ड में से निकाल लेंगे या फिर डिश में से निकाल लेंगे सर्विंग प्लेट ले, ले लेंगे और इसमें निकाल लेंगे बटर पेपर हटा लेंगे इसके ऊपर से और इसके बाद इसके ऊपर मेल्टेड चॉकलेट जो हमने बनाई थी इसकी फ्रॉस्टिंग वो इसके ऊपर ऐड कर देंगे इस तरह से और इसको आपने फैला लेना है अब इसके ऊपर मैंने क्या किया था थोड़ी सी वाइट चॉकलेट को मेल्ट करके इस तरह से ड्रिजल कर लिया है इससे एक बहुत अच्छा सा डिज़ाइन बन जाता है और ये इसको बनाना भी बहुत सिंपल है अब मैं टूथपिक लूँगी उसकी मदद से इस तरह से एक डिज़ाइन बना लूँगी सिंपल लाइन्स बनानी है इस तरह से और ये आपने फ़ौरन से करना है जब आपकी चॉकलेट थोड़ी सी मेल्टेड हो तभी तभी ये डिज़ाइन अच्छा बन के तैयार होता है तो ये देखिए सिंपल सा केक हमारा रेडी है बहुत ही मज़ेदार ये बनके तैयार होता है आप लोग चाहें तो इसको बर्थडेज़ वगैरह में भी बना सकते हैं अगर आप लोग बहुत ज़्यादा क्रीम वाले केक खाना पसंद नहीं करते लेकिन चॉकलेट आपको बेहद पसंद है तब भी आप इसको बना के सर्व कर सकते हैं तो ये देखिए बहुत ही सिंपल सी रेसिपी थी इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा इधर मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ बहुत ही मॉइस्ट बन तैयार होता है मुँह में जाके घुल जाता है बेहतरीन केक बन के तैयार होता है आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी दावत स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूँ आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूँ मटन मलाई हांडी जो कि बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होती है इसको बनाना बेहद आसान है इसको बना के आप लोग दावतों पे सर्व कर सकते हैं स्पेशल डिनर बना रही हूँ फैमिली के लिए तब भी बना के इसको एंजॉय कर सकते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर एक मैंने कढ़ाई ले ली है इसके अंदर ऐड किया है एक कप के बराबर कुकिंग ऑयल उसके बाद इसके अंदर हम प्याज ऐड करेंगे तो मैंने दो अदद प्याज ली थी मीडियम साइज़ की उसको मैंने थोड़ा सा पानी ऐड करके पीस लिया था बहुत थोड़ा सा पानी ऐड कीजिएगा वन फोथ कप के बराबर और इसको पीसने के बाद इसमें हमने ऐड कर दिया है अब इसको हम फ्राई करेंगे तो हल्का सा इसको पकाना है बस इतना कि इसका कलर चेंज हो जाए जैसे ही इसका कलर चेंज होगा इसके अंदर हम ऐड करेंगे मटन तो यहाँ पर मैं एक किलो मटन का इस्तेमाल कर रही हूँ आप लोग चाहे तो चिकन या फिर बीफ में भी ये रेसिपी बना सकते हैं उसमें भी बहुत ज़बरदस्त बन के तैयार होगी तो मटन मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है अब क्या करेंगे इसको हमने थोड़ा सा पका लेना है इतना इसको पकाएँगे कि इसका कलर चेंज हो जाए थोड़ा सा मटन का और फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट तकरीबन थ्री टेबल स्पून के बराबर बारीक कटी हुई हरी मिर्चें ऐड करेंगे वन टेबल स्पून और इसको भी मिक्स कर लेंगे हल्का सा भून लेंगे इसको फिर इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी टमाटर तो दो अदद मैंने मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे इसको भी पीस लिया था और वो ऐड कर दिए हैं अब इसको भी मिक्स कर लेंगे अच्छे से इसको मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे मसाले तो सबसे पहले मैं इसके अंदर ऐड करूँगी लाल मिर्चों का पाउडर वन टीस्पून स्पून कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे वन टीस्पून नमक ऐड करेंगे वन टीस्पून ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे वन टीस्पून धनिया पाउडर वन टीस्पून हल्दी ऐड करेंगे इसमें हाफ टी स्पून अब इस सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब क्या करेंगे इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे तकरीबन एक कप के बराबर पानी आपने ऐड कर देना है और उसको कवर करके पकने के लिए छोड़ देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए मीडियम फ्लेम पे इसको पकाएंगे जब तक हमारा ये मटन गल नहीं जाता तब तक आपने इसको पका लेना है तो देखिए तकरीबन आधा घंटा हो चुका है और ये मटन हमारा बहुत अच्छे तरीके से गल गया है और ऑयल भी ऊपर आ गया है तो अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे दही एक कप के बराबर और इसको मिक्स करेंगे फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे दूध ऐड करेंगे एक कप के बराबर और इसके अंदर हम चीज़ ऐड करेंगे तो यहाँ पर मैं क्यूब्स चीज का इस्तेमाल कर रही हूँ तो दो अद ऐड कर दूंगी आप लोग चाहें तो चैटेड चीज़ इसके अंदर ऐड कर सकते हैं वन फोर्थ कप के बराबर और इसको मिक्स कर लेंगे इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाएगा इसके अंदर फिर इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे काजू का पाउडर टू टेबलस्पून के बराबर आप लोग चाहें तो पाउडर ना हो आपके पास तो 10 से 12 अदद काजू ले लीजिएगा उसको पीस लीजिएगा उसका पेस्ट ऐड कर सकते हैं या फिर आप बादाम भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर और आखिर में हम इसके अंदर ऐड करेंगे क्रीम आधा कप के बराबर और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से फिर इसके अंदर मैं ऐड करूँगी गरम मसाला वन टीस्पून के बराबर और इसको भी मिक्स कर लेंगे अब इसको कवर करके पकने के लिए छोड़ देंगे पाँच से सात मिनट के लिए ताकि थोड़ा सा ऑयल इसके ऊपर आ जाए और आखिर में थोड़ी सी हरी मिर्चें ऐड करेंगे और थोड़ी सी अदरक ऐड कर देंगे और इसको मिक्स करेंगे मिक्स करने के बाद आपने इसकी फ्लेम ऑफ कर देनी है रेडी हो गई है और फ्लेम ऑफ़ करने के बाद 10 से 15 मिनट बाद आप इसको सर्व करेंगे इसकी ग्रेवी काफ़ी हद तक थिक हो जाएगी अभी आपको पतली लग रही है लेकिन ये जब आप फ्लेम ऑफ़ करके आप छोड़ देंगे तो ये काफ़ी हद तक थिक हो जाएगी तो देखिए रेडी हो गया कुछ इस स्टेज पर आ जाएगी है और ये बहुत ही मज़ेदार बन तैयार होती है आप लोग एक बार बनाएंगे तो बार बार दिल जाएगा आपका बनाने का और एक बार ज़रूर बनाइएगा आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी इसको आप लोग नान के साथ पराठों के साथ सर्व कर सकते हैं और इसको बनाना भी बेहद आसान है ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता इसको बनाने में आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो सो so व्यूवर्स अगर आप लोगों को ये रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें कमेंट ज़रूर किया करें शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ फ़ैमिली के साथ तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा हाफिज़